प्रशांत कुकिंग चैनल को आप सभी को स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट दलिया, जो सेहत के लिए अच्छा है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो चाहिए वो है दलिया, शुगर, ड्राई फ्रूट्स में लिया है मैं काजू, किशमिश, आलमंड और अच्छा स्मेल और टेस्ट के लिए थोड़ा सा हरी इलायची, आप चाहो तो उसे स्किप कर सकते हो, और दूध। मैं यहाँ पे 100 ग्राम दलिया लिया हूँ, उसे अच्छे से धुलाई कर देंगे। धोने के बाद आधा घंटा, ये करीबन आधा घंटा इसे हम पानी में भिगा के छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए और पकना में आसानी हो जाए। देखिए करीबन आधा घंटा हो गया है, दलिया भी भीग के तैयार हो गया है, अब इसे बनाएंगे। चलिए पहले हम एक कुकर ले लेते हैं। मैं कुकर ले लिया हूँ, उस पर दूध ले लिया हूँ। दूध को अब हम गर्म होने छोड़ देंगे, गर्म हो जाएगा फिर हम दलिया डालेंगे। अब हम देखिए, अब दूध गर्म हो चुका है, अब हम इस पर डालेंगे दलिया। मैं यहाँ पे दूध लिया हूँ, आप चाहो तो मिल्क पाउडर ले सकते हो, दूध अच्छा रहता है मिल्क पाउडर से। दलिया डालने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा शुगर डालती हूँ, जितना मीठा आपको चाहिए उतना चीनी डाल सकते हैं आप। जिसको मीठा नहीं चाहिए वो बिना चीनी के भी बना सकते हैं, या फिर शुगर फ्री टैबलेट भी होता है उसे भी डाल सकते हैं। हम पहले ही मीठा डाल देते हैं, ये चाहते हैं तो बाद में भी डाल सकते हैं, वो दलिया पकने के बाद भी आप डाल सकते हो। शुगर ऐड करने के बाद हम अच्छे से इसे मिला देंगे और हम इस पे ऐड करेंगे। अब हम इस पर ऐड करेंगे हरी इलायची, अच्छे से मिला देंगे। हरी इलायची डालने से पक जाएगा और इसके साथ स्मेल अच्छा आएगा, बाद में टेस्ट के साथ स्मेल भी अच्छा आएगा। इसके साथ हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा काजू, आलमंड और इलायची। आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, हम यहाँ पे डाले हैं। हमने सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए हैं, अच्छे से मिला भी दिए हैं। अब हम कुकर का सीटी लगा देंगे और धीमी आंच में इसे 2 से 3 सीटी तक पकने देंगे। देखिए अब हमारी सीटी हो चुका है, इसे बंद कर देंगे और गैस निकलने तक छोड़ देंगे। अब देखिए हमारा दलिया बन के तैयार हो गया है। आप भी बनाइए हेल्दी टेस्टी ब्रेकफास्ट और खाइए। और आज का रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिए।